हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद शाबाज। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस बैटरीज को लेकर। दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक से लेकर कि बैटरी क्या होती है, कितने प्रकार के बैटरीज हैं, और फाइनली हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कैन इंडिया बीट चाइना इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्राइसिंग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारे इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर प्रमोशन किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो और अदर सिटीज में भी, ताकि पोल्यूशन को हम रोक सकें। राइट, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इको फ्रेंडली रहेगा, पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, तो इसके लिए हमको बैटरीज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। राइट, तो एडवांस बैटरीज क्या इंडिया का जो डिमांड है और इंडिया का जो सप्लाई है वो इंडिया मीट हो पाएगा, क्योंकि आजकल जो है हम चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हैं सारा कुछ। राइट, और कई सारे ऐसे कंट्रीज है लाइक अर्जेंटीना, बोलीविया, वहाँ से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, बट इंडिया के पास जो रिसोर्स हैं वो दे आर नॉट सफिशियंट टू मीट अवर डिमांड्स एंड प्रोडक्शन। तो इसीलिए इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है और क्या क्या जो कंपैरिजन विद अदर नेशंस हम करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है दोस्तों, सारी जानकारी आपको एक लेक्चर में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है एक बीट्स यूट्यूब चैनल के जरिए से प्रेजेंट किया जा रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो बेसिक से अगर बात करें तो व्हाट इज अ बैटरी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर सेल्स दैट कैन गो अंडर केमिकल रिएक्शन। देखिए आप इतना डिफिकल्ट डेफिनेशन अगर याद नहीं हो रहा है तो सिंपल आप याद रख लीजिए, द बैटरी इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सिंपल डेफिनेशन है आपको। ओके, तो इतना आप थीसिस या थीरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डूइंग एनी यू नो केमिकल इंजीनियरिंग हियर। तो बेसिक्स अगर बात करें तो बैटरी इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल। ओके, तो लेट्स मूव ऑन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ बैटरीज। देखिए जनरल क्लासिफिकेशन अगर आप बात करें तो बैटरीज के टू टाइप्स है, एक आपको प्राइमरी बैटरीज रहेगा, दूसरा सेकेंडरी बैटरीज। अगर आप इनकेस यूसेज के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट साइज हो गया, फैक्टर हो गया, पर्टिकुलर एरिया पे जितना यूज़ किया जाता है उसके पर आप क्लासीफाई कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई पूछे कि भाई बैटरीज के यूसेज मतलब क्लासिफिकेशन बता दें, तो आप उसे सिंपल कह सकते हैं टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो लेट्स मूव ऑन, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी बैटरीज की अगर बात करें दोस्तों, सिंपल ये है कि दे आर नॉट रिचार्जेबल, उसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, ये बात अब अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, आपने देखा होगा कि वॉचेस में जो हम बैटरी यूज करते हैं दे आर नॉट रिचार्जेबल, जब वॉच रुक जाती है तो क्या करते हैं, हमारे घर में आपने देखा होगा मम्मी पापा वॉच को उतारते हैं, बैटरी को निकाल कर रिप्लेस कर देते हैं। राइट, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड प्राइमरी बैटरीज। आपने देखा होगा कई सारे एड्स में, राइट, ड्यूरासेल बैटरीज के एड्स आते रहेंगे, दे आर कॉल्ड अल्कलीन यू नो प्राइमरी बैटरीज। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज अबाउट द सेकेंडरी बैटरीज, सो सेकेंडरी बैटरीज नथिंग बट प्राइमरी का उल्टा, सिंपल, प्राइमरी का उल्टा, मगर प्राइमरी में क्या करते हैं हम रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी में रिचार्ज कर सकते हैं, उसके केमिकल रिएक्शन को आप अगर आप रिवर्स कर देंगे तो वी कैन रिचार्ज इट। राइट, तो उसको हम सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं और उसको रिचार्जेबल बैटरीज भी कहा जाता है। तो कई सारे टॉयस में अगर आपने देखा होगा, आजकल के बच्चे जो लेते हैं टॉयस, रिमोट कार्ड्स और क्रेन जितने भी टॉयस हैं, तो उसमें आपको रिचार्जेबल बैटरीज आती है। राइट, एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रहा होगा, दिस आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरीज। सो क्लियर हो गया आपको, व्हाट इज बैटरी हमने पढ़ा अब तक, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैटरी हमने पढ़ा, प्राइमरी बैटरी हो गया, नेक्स्ट सेकेंडरी बैटरी हो गया। तो व्हाट आर द रिचार्जेबल बैटरी, जो नथिंग बट सेकेंडरी को हम रिचार्जेबल बैटरीज भी कहते हैं। इसमें आपको कई सारे प्रकार के हैं, जैसे लिथियम आयन हो गया, निकल कैडमियम हो गया, और निकल मेटल हाइड्राइड हो गया, और लेड एसिड, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। ओके, तो मैं आपको वन बाय वन शॉर्ट डेफिनेशन में सारा कुछ समझाऊंगा इसमें, इन डेप्थ नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक्स मैं आपको इसमें बता दूंगा। और लिथियम आयन की अगर बात करें तो उसको हम एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्प्लीटली लिथियम आयन के ऊपर बेस्ड रहेगा। मगर इससे पहले तो कई सारे टाइप्स भी वो भी पढ़ लेते हैं, कभी काम आ जाएंगे इनकेस एग्जाम्स में भी आपको। तो निकल कैडमियम की बात करेंगे। ओके, तो निकल कैडमियम इज नथिंग बट यहाँ पे आपको निकल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, और मेटालिक कैडमियम यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोड।
जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, अगर आपने देखा होगा जो ग्रे कलर की जो प्लेटिंग है, ओके, दैट इज कॉल्ड निकेल कैडमियम, एंड ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है सैफ्रन का, दैट इज नथिंग बट सेपरेटर, ओके, सेपरेटर नथिंग बट कैथोड और एनोड को, दोनों को अलग रखने के लिए एक सेपरेटर को हम लोग यूज करते हैं, ताकि दोनों के इलेक्ट्रोलाइट जो है मिक्स ना हो पाए। और सेपरेटर भी जो है फाइबर से बनाया जाता है, पॉलीइथिलीन, कई प्रकार के मेटल्स होते हैं, ताकि वो दूसरे मेटल से रिएक्ट ना हो पाए, उस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। एंड निकल कैडमियम में अगर आप देखे होंगे यहाँ पे, तो निकल कैडमियम यूज़ किया जा रहा है और हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ओके, एंड दिस आर ऑल रिचार्जेबल बैटरीज। एंड नेक्स्ट निकल मेटल हाइड्राइड की बात करेंगे। सो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ये है कि यहाँ इस बैटरीज में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज़ किया जाता है, ओके, सो यदि केमिकल रिएक्शन जो कैरी आउट करते हैं इनसाइड द बैटरीज, समटाइम्स दे विल ऑल्सो यूज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच आर सिमिलर टू द निकल कैडमियम सेलुलिन, नथिंग मच डिफरेंस ये। देखिए बेसिकली बात करें तो ये पावर जो है बैटरी के अंदर वो डिपेंड होता है दो फैक्टर्स के ऊपर, एक आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और दूसरा जो है पोटेंशियल स्टेबिलिटी है। वॉट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कई बार आपने सुना होगा राइट, फिजिक्स में लोग पढ़ते आ रहे हैं सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, आप उतना टेंशन मत लीजिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नथिंग बट जो मेटल कितना इलेक्ट्रिसिटी कैरी आउट कर सकता है, वो उसको मेजर किया जाता है वाया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा, राइट। तो आप सपोज ले लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने यूज़ किया है बैटरी के अंदर, तो वो कितना पावर कैरी आउट कर रहा है, और सपोज उसकी जगह आपने कैडमियम को लगा दिया, उसके जगह आपको कोबाल्ट यूज़ कर लिया, उसके जगह आपने निकल को यूज़ कर लिया, तो इनके जो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी है वो कितना कैरी आउट कर रहे हैं, कितना पावर कैरी आउट किया जा रहा है, उसको हम ईसी के द्वारा मेजर किया जाता है। और पोटेंशियल स्टेबिलिटी विदाउट एनी लॉस एक जगह से दूसरी जगह तक कितना पावर ये लोग कैरी आउट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल स्टेबिलिटी। सारे बैटरीज का कॉन्सेप्ट दोस्तों, एक बात आप अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिए, सारे बैटरीज के कॉन्सेप्ट आपको इसी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया और दूसरा जो है पोटेंशियल स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया आपको? तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज लेड एसिड। लेड एसिड आपने बड़े बड़े बैटरीज को देखा होगा, कार गैराज में या फिर कई मैकेनिक शॉप्स में आपने देखा होगा कि दो प्लग्स लगे रहते हैं, उसको रिचार्ज किया जाता है, राइट, बट दे आर नॉट ईजी टू कैरी आउट, ओके, कहीं भी आप लेकर नहीं जा सकते हैं, दे आर वेरी हैवी, और इसको चार्जिंग पॉइंट्स रहते हैं सेपरेटली, और ज़्यादातर आपको सोलर एनर्जी स्टोर करने में बैटरीज को यूज़ किया जाता है, और कार्स में जो लेड एसिड के बैटरीज हैं उसको यूज़ किया जाता है, और इतना जो यूसेज है इसका लिमिटेड एप्लीकेशन रहता है, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी हैवी ड्यूटी, राइट, ऐसा नहीं कि आप जॉब में भी लेकर फिरे उसको, राइट, किसी में भी पैक एक थैली में लेकर चले, उस तरह नहीं है, बहुत हैवी रहती है, और ज़्यादातर यू नो कई सारे सोलर एनर्जी ग्रिड में अगर आपने देखा होगा वहाँ पे इस एनर्जी को स्टोर करने की बात की जाती है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट इज नथिंग बट एडवांस बैटरी कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वॉट इज एडवांस बैटरी कॉन्सेप्ट जो आजकल जमाने में यूज कर रहे हैं? अब तक हमने सारे बेसिक्स को क्लियर कर लिए, अभी आपको जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ से बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलकर मैं लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, जो कि एडवांस बैटरी का ही कॉन्सेप्ट है वो, तो लेट्स मूव ऑन। देखिए एडवांस बैटरी कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है बैटरी का वो बाइपोलर रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय बाइपोलर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, राइट, व्हाट इज अ बाइपोलर? देखिए इस बैटरीज को अगर आप ट्रांसएक्शनल डिवाइड करें, मतलब उसको खोल के अगर देखेंगे, तो वहां पे जो कैथोड और एनोड जो है वो सीरीज वाइज कनेक्ट किए जाएंगे दोस्तों, ओके, सीरीज वाइज इज कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर कंस्ट्रक्शन। ऐसा क्यों किया जाता है? प्रीवियसली हम जो बैटरीज यूज करते थे वही तो यूज कर सकते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए बाइपोलर कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, आपको यू नो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, यू नो लॉन्गर लास्टिंग रहता है इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज होता है ज़्यादातर, फास्टर चार्ज होता है। इस एक्टिविटी को यूज़ कर कर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि यू नो यू कैन स्पेंड अ लॉन्ग टाइम टू रिचार्ज द बैटरी, और मिनिमम टाइम में ही ख़त्म हो जाए तो क्या फ़ायदा रहा, राइट। अभी हम जो भी व्हीकल्स लेते हैं तो पहले उसकी जानकारी क्या लेते हैं, माइलेज के बारे में जानकारी लेते हैं, राइट, पेट्रोल हो डीजल हो तो माइलेज के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद ही हम खरीदते हैं, कोई भी ब्रांड ले लीजिए। तो इसी तरह अगर एक बैटरी एफिशिएंटली काम करे तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम चेंज करेंगे तभी जाकर एक बैटरी एफिशिएंटली काम करे। तो एडवांस बैटरी कॉन्सेप्ट में बाइपोलर कंस्ट्रक्शंस लाया गया है हाल ही में, तो इसके टेक्नोलॉजी की वजह से हम
बैटरी का वेट भी कम रहता है, कॉस्ट भी कम रहता है, लॉन्गर भी चलती है बैटरी, एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है, तो व्हाई नॉट द पीपल विल चूज, राइट? तो चलिए, लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, ये बाइपोलर कंस्ट्रक्शन यूज करते हुए लिथियम आयन टेक्नोलॉजी को लाया गया था। व्हाट इज लिथियम बैटरी, मैं आपको बताऊंगा। इट इज़ ए रिचार्जेबल बैटरी दोस्तों, एंड बेसिकली अगर आप देखें तो आज जो हमारे इंडिया में इसका प्रोडक्शन है बहुत ही कम हो रहा है, हम ज़्यादातर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि चाइना के पास ज़्यादातर लिथियम के रिसोर्सेस हैं और उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, और वहाँ की जो कंपनी है वो कई डिकेड से पहले ही वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था, एंड देर आर द सप्लायर्स फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, नॉट ओनली इंडिया, फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो इस डिपेंडेंसी को रोकने के लिए इंडिया ने कई सारे स्टेप्स को उठाए। तो नीति आयोग ने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही पब्लिश किया था, उसका नाम था मेकिंग आत्मनिर्भर लिथियम आयन बैटरीज। तो उसमें कई सारे स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने मेंशन किया है, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले हम लिथियम आयन बैटरीज के बारे में जान लेते हैं, बेसिक्स क्या है वो, क्योंकि 2021 लाइकली टू बी टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया। किस तरह से आपने देखा होगा 2020 में जो पैंडेमिक की वजह से किस तरह से हमारे इंडिया की जो डिपेंडेंसीज थी वो सबके सामने आ गई थी, और उसके बाद हमारे मोदी जी ने एक नारा लगाया कि आत्मनिर्भर भारत हो, कि हम भी जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है पैंडेमिक की वजह से हम, ताकि हमारे इंडस्ट्रीज को हम रीइंस्ट्रक्चर रीइंस्टेट कर पाए। तो 2021 ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के जरिए से कि एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, हम हमारे कमर्शलाइजेशन स्टेजेस को बढ़ा सकते हैं आगे चलकर, राइट? तो लेट डिस्कस अबाउट लिथियम आयन बैटरीज, बेसिक्स पढ़ा देता हूँ आपको, उसके बाद हम कंपैरिजन में चले जाएंगे। तो लिथियम आयन बैटरीज होते क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ आइकॉनिक मूवमेंट और आयोनिक मूवमेंट, जो भी आप कह सकते हैं आयोनिक मूवमेंट, आयोन्स जो भी रहते हैं फ्रॉम कैथोड से लेकर एनोड तक, दोनों के बीच में जो ट्रांसफर होता है ना, वो आपको लिथियम, ये मैकेनिज्म आपको लिथियम आयन बैटरीज में देखने को मिलेगा। अभी तक आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा बहुत ही साइंटिफिकली टॉपिक हो चुका है। तो डायग्राम से अगर आप इजी से समझेंगे, तो हर बैटरी के अंदर ये दो मैकेनिज्म चलते हैं दोस्तों, जो रिचार्जेबल बैटरी, ओके, देखिए चार्जिंग किस तरह से होती है, जब इलेक्ट्रोलाइट जो है कैथोड से लेकर एनोड में ट्रांसफर होते हैं उसको हम चार्जिंग कहते हैं। जब डिस्चार्जिंग कब होता है, जब एनोड से लेकर कैथोड तक इलेक्ट्रोलाइट फ्लो होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, हर एक रिचार्जेबल बैटरी में यही कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। okay. अगर आप लिथियम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पे थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था एडवांस बैटरी कॉन्सेप्ट, बाइपोलर स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है, राइट? इसमें जो है कैथोड और एनोड को सीरीज में अरेंज करते हैं, और कैथोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यूज करता है, और ऑब्वियसली एनोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज करता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के जो मटेरियल्स होते हैं लाइक सल्फर हो गया और आपको ग्राफाइट हो गया, ये सारे चीज़ों से इसको बनाया जाता है, और बीच में जो है सेपरेटर यूज करते हैं। सेपरेटर का मैंने वर्किंग मैकेनिज्म आपको पहले ही बता दिया। सेपरेटर क्या करता है, इट विल इट नॉट अलाउ टू मिक्स द इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक वो बचाए रखता है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सके, और ऐसी मटेरियल से इसको बनाया जाता है, पॉलीइथिलीन हो गया, फाइबर्स हो गया, ताकि वो दूसरे मेटल से रिएक्ट ना हो पाए, ओके, आइसोलेट रहे और दूसरों को भी आइसोलेट करता रहे सेपरेट। और यहाँ पे आपको सेफ्टी इवेंट्स भी यूज करते हैं। व्हाट इज अ सेफ्टी इवेंट्स, एनीबडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज अ सेफ्टी इवेंट्स? ठीक है छोड़ो, मैं ही समझा देता हूँ। सेफ्टी इवेंट्स इज नथिंग बट सम टाइप ऑफ आपको रेलिंग दी जाती है बैटरीज के अंदर, ताकि जो एक्सेसिव हीट हो उसको रिलीज कर सके, ओके। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी बढ़ जाती है दोस्तों, ओके। एक दिन चलने वाली बैटरी दो दिन चलेगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, ऐसा मत समझना कि फिर एक दिन चल के खत्म हो जाएगी, ओके, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ मैकेनिज्म को लिथियम सेल स्ट्रक्चर के अंदर यूज किया जाता है, और ये मैकेनिज्म आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ज़्यादातर यूजफुल है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं व्हीकल्स में ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और कई सारे चांसेस है कि बैटरी जाम हो जाए, गाड़ी रुक जाए, तो इस सारे चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इस प्रकार के सेफ्टी इवेंट्स को यूज़ किया जाता है इन लिथियम सेल बैटरीज और लिथियम सेल टेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मुद्दे की बात है। बैटरी तो बना लिया, कहाँ पे यूज़ करेंगे आप, राइट? तो इन्होंने बताया कि टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, एरोस्पेस में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, और सबसे जो फेवरेट एप्लीकेशन है इसका वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी हाइब्रिड व्हीकल्स जो है उसमें इसका यूसेज किया जाता है। तो आपने कई गाड़ियाँ देखे होंगे, हाइब्रिड में भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, माइल्ड हाइब्रिड हो गया, माइक्रो हाइब्रिड हो गया, राइट, और फुल हाइब्रिड हो गया।
देखिए ये तो हमारा डिस्कशन टॉपिक नहीं है, बट हाइब्रिड के बारे में आ चुका है तो सिंगल लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ. ओके, माइक्रो हाइब्रिड इन द सेंस बैटरी से आपको सिर्फ गाड़ी स्टार्ट की जा सकती है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो हाइब्रिड. माइल्ड हाइब्रिड क्या होता है? माइल्ड हाइब्रिड बैटरी से तो कार चालू हो जाती है. ओके, जब गाड़ी जो है जाकर कहीं सिग्नल में रुकती है ना, जब आप ब्रेक मार दें या फिर कहीं स्टॉप होती है तो ऑटोमेटिकली इंजन टर्न ऑफ हो जाता है. इससे हम एनर्जी बचा सकते हैं, इसे माइल्ड हाइब्रिड कर सकते. जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगेन द इंजन विल स्टार्ट. और फुल्ली हाइब्रिड इज नथिंग बट एंटायर व्हीकल विल वर्क ऑन द बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है. ओके, क्लियर हो गया आपको? थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दिया है. नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडिया स्टैंड्स इन एडवांस्ड बैटरीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. जो हमने पहली जो स्लाइड में तो क्वेश्चन देखा था, क्या इंडिया बीट चाइना विद मैन्युफैक्चरिंग प्राइसिंग, इसका सवाल आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो इंडिया का मैं स्टैंड बताता हूँ आपको, अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है इंडिया. तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पॉलिसी को निकाला है. ये हाल ही की न्यूज़ है, अगर आपने देखा होगा फेब और मार्च के बीच में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी छापा गया था. हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा कहा गया एक प्रेस मीटिंग में कि एक वो इंटीग्रेटेड पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं ताकि इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट बना सके इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज. क्लियर, समझ में आ गया आपको? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज में एक सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि 81% ऑफ लिथियम आयन बैटरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इंडिया में ही लोकल मिल रहे हैं. ओके, जैसे कि कैथोड हो गया, एनोड हो गया, सेपरेटर्स के पार्टिकल्स हो गए, जो हमने अभी अभी देखा ना लिथियम सेल स्ट्रक्चर में, वही उसके जो पार्टिकल्स हैं 81% ऑफ इंडिया में मिल जा रहे हैं. बट थोड़े ऐसे कोर एलिमेंट्स हैं जिसको हम मजबूरन चाइना के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है. बट अभी ऐसी पॉलिसीज निकाले जा रहे हैं ताकि वो एलिमेंट्स भी यानी कंप्लीट एक इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर किया जाए. ओके, इंडिया में ही कंप्लीट मैन्युफैक्चर किया जाए, इसके लिए कई सारे स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा. और एक रिपोर्ट में यही पब्लिश किया गया है कि आने वाले कुछ सालों में यानी 10 साल की अगर बात करें तो 1100 गीगावाट पर आवर की एनर्जी ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों. ओके, टिल 2030 एंड और इसकी वजह से कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी इंसेंटिव्स दिया जा रहा है ताकि इस डिमांड को हम मीट हो सके. तो एक आर्टिकल छापा गया था इकोनॉमिक टाइम्स में जहाँ पे इंडिया ने अपने प्लान्स को अनाउंस किए कि आने वाले कुछ सालों में दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अबाउट $4.6 billion इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जा रही कंपनीज. ओके, कंपनीज को एनकरेजमेंट तो चाहिए ना, ऐसा थोड़ी नहीं कोई फायदा ना हो तो प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्यों मैन्युफैक्चर करेगा भाई, कोई फायदा हो तो काम करेगा ना, राइट. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको मोटिवेट करने के लिए 4.6 billion सेक्टर डॉलर्स का इंसेंटिव्स दे रही है. आप लगाइए प्लांट, हमारे इंडिया में लगाइए प्लांट, आपको टैक्स एग्जम्पशन रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो पैकेज अनाउंस किया गया है. और उसके बाद इंडिया भी क्या कर रहा है, अभी होशियार काम कर रहा है. ओके, सो इंडिया क्या कर रहा है, अगर आप इम्पोर्ट करोगे तो 5% टैक्स लगाऊंगा मैं. ओके, ऐसी बात की जा रही ताकि इम्पोर्ट को रिड्यूस किया जाए. और आने वाले कुछ साल में 2022 तक जो है उसके टैक्सेस 15% कर दिए जाएंगे, क्योंकि इम्पोर्ट अगर कम करेंगे तभी तो जाकर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप होगी ना, राइट. बेसिक फैक्टर है भाई, बेसिक कॉमन सेंस की बात करें आप तो इम्पोर्ट अगर कम करेंगे तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी, तो वहाँ पे आपको जो बैटरी से यूज़ किया जाएगा, लोग जो है वहाँ को, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स कंपनी है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो पैसा है अंदर ही आएगा हमारे, राइट. तो इसीलिए इन्होंने टैक्स की बात की है. तो कंपैरिजन विद अदर नेशंस की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसमें मैं आपको चाइना और इंडोनेशिया कई सारे कंट्रीज उसके बारे में बताऊँगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लिथियम इज़ ए कोर एलिमेंट दोस्तों. ओके, तो ये तो होना ही चाहिए हर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए. और इसके कई सारे रिजर्व्स हैं आपको अर्जेंटीना में, बोलीविया में, ऑस्ट्रेलिया में, पोर्चुगल में, ब्राज़ील में, कई सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पे ज़्यादातर आपको रिजर्व्स पाया जाता है. ओके, तो इंडिया के पास बदकिस्मती से हमारे पास इसके रिसोर्स नहीं है. थोड़े बहुत रिसोर्स पाए गए हैं रिसेंटली, बट वेरी लेस, वी कैन नॉट मीट द डिमांड. इंडिया के जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए तो डिपेंडेंसी बढ़ गई है हमारी, राइट. और ग्राफाइट की अगर बात करें तो 65% ऑफ द ग्राफाइट इन द वर्ल्ड वो चाइना से आता है. और इंडिया का देखिए आप कितना मिलता है, सिर्फ 12.5%. उसको अगर आप राउंड फिगर मान के चलेंगे 10%, तो 1:6 रेशियो का फैक्टर हो गया. तो इसलिए इंडिया चाइना आगे है इंडिया से, और कई सारे कंट्रीज जहाँ पे रिजर्व्स हैं वो हमारे से आगे हैं. नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो एक
एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, तो वहां पे आपको ज्यादातर कोबाल्ट एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो चाइना ने क्या किया, एक क्लेवर काम किया, इनके साथ अच्छे से अग्रीमेंट साइन कर लिए और वहां पे अपनी माइनिंग फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर दी। तो हर साल जो है वेरी चीप रेट्स में ये लोग माल वहां से उठाते हैं और अपने कंपनीज में जाकर मैन्युफैक्चर करते हैं। सस्ता माल, जब रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा तो उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये लोग दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं अभी कोबाल्ट एलिमेंट्स। तो अनफॉर्चुनेटली अगर देखेंगे तो इंडिया के ऐसे कोई भी अग्रीमेंट्स नहीं है ऐसे कंट्रीज के साथ। तो आगे चलकर अगर कुछ अग्रीमेंट्स हो जाए तो हम लोग भी जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट। और इंडोनेशिया की बात करें और चाइना को ये भी एक ज्योग्राफिकल का फायदा है। क्या हो गया, इंडोनेशिया से वो डायरेक्टली वाया सी रूट जो साउथ चाइना सी से डायरेक्टली वो चाइना को सप्लाई कर रहे हैं। जो निकल के वहाँ को ज़्यादातर अबंडेंसी मिलेगी आपको, माइनिंग कई सारे फैक्ट्रीज पाए जाते हैं उधर। तो चाइना का यहाँ पे भी फायदा है और इंडिया आगे चलकर अगर कुछ अग्रीमेंट्स कर ले इंडोनेशिया के साथ तब भी हमारे साथ कुछ फायदा हो सकता है। बट सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन मैटर्स, राइट? आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हो वो मायने रखता है। तो जब तक बिग प्लेयर्स नहीं आएंगे फील्ड में, क्योंकि कब तक आप गवर्नमेंट के ऊपर बटन बनाए रखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी तो कई सारे दूसरे वेलफेयर प्रोग्राम्स को देखना पड़ता है, कई सारे स्कीम्स रहते हैं उनके पास, राइट? दे कैन नॉट हैंडल यू नो एकदम पूरा बटन वो सिंगल हैंडेड नहीं कर सकते। तो बिग प्लेयर्स को आना ज़रूरी है अभी। वो लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कई सारे अग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट, इंडिया मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि आगे चलकर सोडियम सेल बैटरीज का भी यू नो डिमांड बढ़ने वाला है मार्केट में। तो हमारे पास सोडियम के तो कई सारे रिसोर्सेस हैं, अगर हम उसके पर फोकस करेंगे, उसके पर अगर डेवलप करेंगे तो इन फ्यूचर हम सप्लायर भी बन सकते हैं सोडियम सेल बैटरीज का। बट प्रेजेंटली लिथियम की अगर बात करें हम, तो जो चाइना के पर जिस तरह से डिपेंडेंसी हुआ हुआ है इंडिया में, उसको कम करने के लिए इंडिया कई सारे अग्रीमेंट्स लाने की बहुत ज़रूरी है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री से, इंडोनेशिया से, ताकि हम हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बूस्टअप कर सकें। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बेसिक से हमने शुरुआत की है और टिल वी हैव डिस्कस अबाउट द इंडिया स्टैंड्स एंड कंपैरिजन विद अदर नेशंस आल्सो। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप यू कैन सब्सक्राइब टू अवर बीट्स यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।